दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मिली जीत के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को मिली तीन बड़ी खुशखबरी। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कौन सी तीन बड़ी खुशखबरियां सनराइजर्स हैदराबाद के बाद जीत के मिली है यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को, यही बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप भी हैं चेन्नई के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आईपीएल का 46वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को यहां पर 13 रनों से हार मिली। इस हार के बाद चेन्नई ने अपनी वापसी भी की, साथ ही साथ उसे तीन बड़ी खुशखबरियां मिली। पहली खुशखबरी, ड्वेन ब्रावो अगले मैच के लिए पूरी तरह से फिट हो चुके हैं दोस्तों, और आरसीबी के खिलाफ उनकी वापसी होने वाली है जो कि काफी बड़ी बात है। दोस्तों ड्वेन ब्रावो इस मुकाबले में नहीं खेल पाए थे क्योंकि वो पूरी तरह से चोटिल थे, लेकिन दोस्तों अब अगला मुकाबला यानी आईपीएल का 49वां मुकाबला 4 मई को खेला जाएगा और इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ ड्वेन ब्रावो की वापसी होने वाली है। वहीं दोस्तों दूसरी जो बड़ी अपडेट है वो निकल कर आ रही है दोस्तों, आरसीबी के खिलाफ खराब प्रदर्शन करने वाले सिमरनजीत सिंह की जगह पर राजवर्धन हंगेरकर को मौका दिया जा सकता है। आखिरकार वो समय आ ही गया है जब इस युवा ऑलराउंडर को डेब्यू करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आरसीबी के खिलाफ यहां पर लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं सिमरन सिंह को, जो कि काफी अच्छी बात नहीं है। ऐसे में दोस्तों अब यहां पर उनकी जगह पर एक बढ़िया खिलाड़ी की वापसी हो जाएगी जो कि एक बढ़िया गेंदबाज है और अच्छा बल्लेबाज भी है, जिसकी उम्मीदें काफी ज्यादा लगाई जा रही है। भारतीय टीम को भी इससे उम्मीदें हैं और चेन्नई को तो इनसे उम्मीदें हैं ही हैं। ऐसे में दोस्तों अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इनको टीम में जगह मिलती है या फिर नहीं। इसी बड़ी अपडेट निकल आ रही है दोस्तों प्लेऑफ को लेकर धोनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आसानी से प्लेऑफ में पहुंच सकती है अगर वो हमारे हिसाब से चले तो। आपके हिसाब से क्या चेन्नई प्लेऑफ्स में जाएगी, हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्रिकेट जगत की सभी खबरों के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।